नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? देखिए, अगर दो या दो से अधिक वेव साइमल्टेनियसली किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, सारी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। यानी अगर कोई कई वेव्स हैं, एक का डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे का y2 है, तीसरे का y3 है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन सारी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो अगर मुझे स्टेटमेंट देना है तो हम कह सकते हैं कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल at any instant of time is equal to the vector sum of displacement of individual waves. That is, resultant displacement y is equal to y1 plus y2 plus y3 dash dash dash। यहाँ y1 y2 displacement है individual waves की। नाउ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है? अगर हमारे पास दो वेव्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है और दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ऐसी दो वेव जो साइमल्टेनियसली किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो वो कुछ पॉइंट पे एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं, यानी इंटरसेक्ट करती हैं। जिन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। इंटेंसिटी के मैक्सिमम और मिनिमम होने को, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी को ही हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? दो वेव्स होने चाहिए, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट होना चाहिए। और ये दोनों चीज़ कब पॉसिबल है? जब वेव्स किसी कोहेरेंट सोर्स से निकल रही हूँ, जब दो वेव्स किसी कोहेरेंट सोर्स से निकलती हैं और ऐसी दो वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं तो एनर्जी कहीं पे मैक्सिमम हो जाती है और कहीं पे मिनिमम हो जाती है। तो एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन टू वेव्स emitted from coherent sources superpose each other, यानी एक दूसरे को जब intersect करते superpose each other, then the intensity means energy per unit area per unit time, then the intensity of resultant wave is maximum at some point
एंड मिनिमम एट द अदर, मिनिमम एट द अदर। ठीक है, जब कोहेरेंट सोर्सेज इमिट होने वाली दो वेव्स एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कुछ पॉइंट पे मैक्सिमम होती है और कुछ पॉइंट पे मिनिमम होती है। तो इंटेंसिटी का जो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन है इसी को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट due to the superposition of light waves emitted from two coherent sources। कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोहेरेंट सोर्सेस से जो वेव्स निकलती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उसका फेज जो है वो कांस्टेंट होता है। कोहेरेंट सोर्सेस इज नोन एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस चिल्ड्रन टू टाइप का होता है, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, वहां पे जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहाँ पे होगा जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, वहाँ पे जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी सुपरपोजिशन के बाद मिनिमम होती है तो वहाँ इंटरफेरेंस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम होगी या फिर ज़ीरो होगी। तो इंटरफेरेंस टू टाइप का हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसकी डेरिवेशन में तो मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि दो वेव्स हैं जो किसी कोहेरेंट सोर्स से इमिट हो रही हैं, लेट There are two coherent sources S1 and S2 emit waves of amplitude A1 and A2 having फेज़ डिफरेंस, दोनों के बीच का जो फेज़ डिफरेंस है, जो दो वेव्स इमिट होंगी उनके बीच का फेज़ डिफरेंस मैंने phi सपोज कर लिया है, हैविंग फेज डिफरेंस phi, देन देयर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस आर, अगर इनकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगी। पहली वेव की डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t फॉर्मूला होता है, ये लगा लिया। और दूसरी वेव के लिए y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव,
और मैं सपोज कर रहा हूँ कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर मुझे रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट देखना है और दोनों अगर वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं बच्चों, देन y इज इक्वल टू y1 + y2 हो जाएगा। अब मैं y1 y2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दे रहा हूँ। इक्वेशन 1 से y1 y2 की वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू रख दी a1 साइन ओमेगा टी और y2 की वैल्यू रख दी a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैं इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दे रहा हूँ तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लगा लिया। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो मैं साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स को एक साथ रख दे रहा हूँ तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में आ गया a1 प्लस a2 cos phi और साइन cos ओमेगा टी को अलग कर लिया तो a2 sin phi, ठीक है। अगर मैं सपोज कर लूँ कि दोनों वेव की मिलने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड If the amplitude of resultant wave is capital A, then इस वाले टर्म को जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, then हम लेट कर सकते हैं कि a1 plus a2 cos phi की वैल्यू a cos theta के इक्वल है और a2 sin phi, जब cos वाला टर्म ले रहे हैं तो मैंने cos theta लूँगा और जब sin वाला टर्म ले रहा हूँ तो sin theta ले लिया। अब इससे मैं a capital A resultant wave के amplitude की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। इन दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड कर लें बच्चों, यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर लिया और इसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो इधर बच जाएगा a1 प्लस a2 cos phi होल स्क्वायर प्लस a2 sin phi होल स्क्वायर देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर एक्सपेंड कर लें, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस 2a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। अब इन दोनों से a2 स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। तो ये रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो गया a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। इससे हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। बट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, देयरफॉर i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होगा और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिया तो यहाँ एक कांस्टेंट k लगा दिया है और इससे जो फॉर्मूला आ जाता है i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos phi। ये बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, अब इसी से हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालते हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे।